हेलो फ्रेंड्स, कम टू ऑलिव चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई न्यू डिज़ाइन का ब्लाउज। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, अपने कमेंट्स जरूर भेजिए। फ्रेंड्स स्टार्ट कीजिए। और इसको मैंने दोनों साइड से बनाया, देख सकते हैं ये आगे भी सेम है और पीछे भी सेम है। ये देखिए, इस रो में मैं दो फंदे घटाऊंगी, इस तरह से, और इसी तरह से मैं दो के बाद एक एक करके सारे फंदे घटा दूंगी। दोनों साइड से एक एक फंदा घटाऊंगी, लास्ट एक फंदे तक कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए, मैंने इसको भी बना के ये एक फंदे तक ये शोल्डर कंप्लीट कर लिया है। शोल्डर और गला कंप्लीट इस तरह से हुआ है ये। और देखिए, ये काफ़ी बढ़ जाता है, ये डिज़ाइन थोड़ी ऐसी है इसलिए थोड़ा छोटा लग रहा है, इसलिए काफ़ी बड़ा है देखिए। और इसको मैं एक और इसी तरह से एक पल्ला और बनाऊंगी, उसके बाद ये शोल्डर बनाऊंगी मैं। ये देखिए, मैंने दोनों पल्ले कंप्लीट करके और एक साइड का ये शोल्डर इतना बना लिया है। अब देखिए, इस तरह से मैंने इसको, सबसे पहले मैं इसको सिलूंगी, एक साइड मैंने सिल लिया है इस साइड। ये देखिए, यहाँ से और यहाँ तक जहाँ से मैंने ये फंदे घटाना स्टार्ट किया था, यहाँ तक इतना इसको मैं जोड़ लूँगी सुई से, उल्टे साइड से यहाँ से मैं जोड़ती हूँ। पूरा इसको यहाँ तक कंप्लीट करके मैं दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने इसको ये सिल लिया है यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए, ये शोल्डर है हमारा, यहाँ से देखिए जहाँ मैंने एक फंदा छोड़ा था, ये देखिए ये वाला जॉइंट है, और यहाँ से मैं फंदे भरना स्टार्ट करूँगी इसमें। देखिए इस तरह से, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। ये देखिए, यहाँ से मैं यहाँ तक पूरे में 36 फंदे भरूँगी। आप अपने इसके पल्ले के अकॉर्डिंग भर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और देखिए, मैं यहाँ से 18 इधर भरूँगी, यहाँ तक 18 इधर भरूँगी, 36 फंदे भर लूँगी उसके बाद। ये देखिए, इसमें मैंने फंदे भर लिए हैं, ये मैंने 36 फंदे भरे हैं। और देखिए, इस रो को मैं उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करूँगी इस तरह से। पूरी रो उल्टी बुन जाऊंगी, उसके बाद मैं इसमें कलर चेंज करूँगी। ये देखिए, अब मैं सीधी साइड आ गई हूँ। अब देखिए, मैं कलर चेंज कर रही हूँ, तो दो फंदे मैं सीधे बुनूँगी और धागा इधर करके आगे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, धागा इधर करूँगी। इसी तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, उल्टे साइड से जो जैसा फंदा है उसको मैं वैसा ही बुनूंगी। देखिए, इधर से मैं इसको सीधा बुन रही हूँ, धागा इधर करूँगी, दो फंदे उल्टे, जो जैसे दिखेंगे उनको वैसा ही बुनना है इस साइड से। और देखिए, दो दो रो बनाऊंगी मैं। ये देखिए, अब मैं यहाँ से कलर चेंज कर रही हूँ, इस तरह से दो दो रो बना रही हूँ, धागा इधर करूँगी, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे। ये देखिए, इसी तरह से मैं इस तरह से चार रो डाल लूँगी, उसके बाद मैं दिखाऊँगी आपको। ये देखिए, मैंने ये चार रो डाल के ये बॉर्डर इसका कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, यहाँ से मैं इसको उतार दूँगी इस तरह से, इस फंदे को इसके ऊपर से निकाल दूँगी ऐसे, दूसरा फंदा बुनूँगी इसको इसके ऊपर से ऐसे निकालते जाऊँगी। एक फंदा सीधा बुन के इसके ऊपर से इसको निकाल दूंगी, इसी तरह से इसको बंद कर दूंगी सारे फंदे। ये देखिए, मैंने एक साइड का ये गला बना के कंप्लीट कर लिया है। और देखिए, यहाँ से मुड्ढे से लेके यहाँ तक मैंने
70 फंदे भरे हैं ये पूरे, और 34 फंदे इसमें मुड्डे के लिए भरे हैं ये चीज़, और इसमें 104 फंदे टोटल हैं हमारे पास। और आप अपने स्वेटर के हिसाब से कम ज़्यादा भी इसमें कर सकते हैं। तो देखिए इसमें मैंने इस तरह से यहाँ से भरे हैं फंदे और ये चीज़ इधर बनाई है, और अब मैं यहाँ से देखिए इस साइड से भरूँगी फंदे और ये चीज़ इधर बनाऊँगी इस तरह से। जो गला का ये दिया है मैंने, ये बनाया है, एक का इस साइड बनेगा एक का इस साइड बनेगा। इस तरह से मैं यहाँ से फंदे भरना स्टार्ट करूँगी। ये देखिए इस तरह से एक, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। ये देखिए इस तरह से मैं अगले शोल्डर तक यहाँ तक फंदे उठाऊँगी, और इसमें से मुझे टोटल फंदे उठाने हैं उसी के बराबर, जितने मैं आगे उठाऊँगी उतने ही, मतलब मैं इसमें मैं टोटल 70 फंदे उठा लूँगी और 34 फंदे मैं अलग से डालूँगी इस तरह से। ये मैंने डाले हैं इस तरह से, ये देखिए कंप्लीट करूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक इसमें 70 फंदे उठा लिए हैं, और देखिए अब मैं यहाँ से फंदे बढ़ाऊँगी, 34 फंदे मैं अलग से इस तरह से बढ़ा लूँगी, एक दो तीन चार पाँच छः सात। ये देखिए इसी तरह से मैं इसमें 34 फंदे बढ़ाऊंगी, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे बढ़ा सकते हैं इसमें 34 फंदे बढ़ाने के बाद। मैं ये देखिए मैंने इसमें ये 34 फंदे बढ़ा लिए हैं, टोटल फंदे हमारे पास 104 हो गए हैं। अब देखिए इस रो को मैं इस तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे ऐसे। ये देखिए मैंने उल्टी रो इसमें निकाल ली है। अब देखिए मैं यहाँ से कलर चेंज करूँगी इस तरह से, देखिए दो दो रो बनाऊँगी जिस तरह से मैंने और ये बॉर्डर बनाए हैं उसी तरह से बनाऊँगी सेम, दो फंदे सीधे धागा आगे, दो फंदे उल्टे वापस, दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे। ये देखिए इसी तरह से मैं इसमें ये तीन लाइन डाल के ये यहाँ तक की चौथी ये रो आ जाएगी, जब मैं आपको दिखाऊंगी फिर आगे। देखिए इसमें गले में ये देखिए मैंने ये तीन रो बना के ये कंप्लीट कर ली है इस तरह से, और देखिए चार चार पड़ी हुई है। अब एक मैं और डालूंगी। अब देखिए इसमें मैं थोड़ा सा गले का शेप देने के लिए, जिससे गला गोल दिखेगा, ये काफ़ी फिटिंग अच्छी आएगी इससे, अब मैं इसमें फंदे घटाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे जो सीधे वाले हैं उसमें से मैं दो का एक कर दूँगी इस तरह से, वापस धागा आगे करूँगी, एक दो दो फंदे उल्टे बना लिए, और ये देखिए सीधे वाले जो हैं इनमें से मैं इस तरह से दो का एक कर दूँगी इस तरह से, उल्टे वाले दोनों फंदे ऐसे ही बनाने हैं मुझे इस तरह से, धागा इधर करके दो फंदे उल्टे, फिर देखिए दो का एक, वापस धागा इधर, इसी तरह से इस रो को मैं कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए उल्टी रो पे आ गए हैं। अब देखिए उल्टी रो पे ये यहाँ पे जो फंदे हमारे इस तरह से धागा इधर करेंगे। अब देखिए जो मैं दो का एक किया था वो उल्टा बुन लेंगे इस तरह से, वापस धागा आगे करेंगे, दो फंदे इधर से सीधे बुनेंगे, धागा पीछे इस तरह से, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे उल्टी रो में, एक फंदा उल्टा, इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए अब सीधी रो पे आ गए हैं। तो अब देखिए यहाँ से
एक रो में इधर से ये बनाऊंगी, एक फंदा सीधा, दो उल्टे, इसमें आप कुछ नहीं करना है, इसी तरह से बनाना है, एक सीधा, दो उल्टे, वापस धागा इधर, दो उल्टे, एक सीधा, इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए इधर से मैं इसको उतार दूंगी, इस तरह दो का एक करते हुए इस तरह से उतारूंगी। दो का एक करूंगी, फिर इस फंदे को इसमें डाल के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैंने ये गला बना के इसका कंप्लीट कर लिया है। देखिए एक शोल्डर इधर है हमारा और एक इधर है, देखिए इसमें जोड़ूंगी मैं इस तरह से, तो ये गला सा दिखेगा, पूरा शेप इसका गले में आ जाएगा। और इधर का देखिए ये यहाँ जोड़ दूंगी जाके बैक साइड में, दोनों साइड इस तरह से मैं इसको सिल दूंगी। देखिए यहाँ से उल्टे साइड इस तरह से सिलूंगी मैं पूरा यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक सिल के कंप्लीट कर। ये देखिए इस तरह से मैंने ये इधर का यहाँ पे ये सिल दिया है, ये पता नहीं चलता, इस तरह से गले का शेप आ जाएगा। अब देखिए इसको मैं यहाँ पे सिलूंगी उल्टी साइड से, ये देखिए ये शोल्डर हो गया और ये यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे ऐसे करके उल्टी साइड से इसको सिल के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं अब इस पर कंगूरे बनाऊंगी, और ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो बनाइए, नहीं तो अगर नहीं मन है तो मत बनाइए, उसमें कहीं से भी देखिए स्टार्ट कर सकते हैं इसको, मैं यहीं से कर ले रही हूँ। देखिए इसमें मैंने 11 नंबर का क्रोशिया लिया है, इस तरह से यहाँ से मैं देखिए इस तरह से निकाल लूंगी, एक दो तीन चैन बनाऊंगी, वापस यहीं से एक दो तीन, तीन बार बनाने के बाद इसको इस तरह से निकाल दूंगी। और देखिए जितना ये ऐसे आ जाएगा मेरा, वहीं पे मैं इसको सिंगल क्रोशिया से अटैच कर दूंगी। फिर देखिए तीन चैन निकालूंगी, तीन चैन वापस डबल क्रोशिया, देखिए यहाँ से ये बनाया मैंने इसके पीछे से, देखिए ऐसे एक दो तीन, तीन बार निकालेंगे एक इस तरह से, देखिए जहाँ मेरा ये इस तरह से आ जाएगा, ये देखिए इस तरह से एक दो तीन, तीन चैन, अब देखिए यहाँ से ऐसे एक दो तीन इस तरह से, देखिए यहाँ से तीन ऐसे, इसी तरह से मैं पूरा राउंड, देखिए लास्ट में इस तरह से यहाँ से बना के एक दो तीन, ये तीन बनाने के बाद इस तरह से निकाल देंगे एक साथ। और देखिए जहाँ से मैंने ये यहाँ से बनाया था, वहीं मैंने इसको सिंगल क्रोशिया के साथ इस तरह से अटैच कर दिया। और देखिए एक बार इसमें और निकाल दूंगी, देखिए दो बार चैन निकालने के बाद इस धागे को मैं कट कर दूंगी यहाँ से इस तरह से, और इसे निकाल के इस साइड में ऐसे कहीं भी नॉट लगा दूंगी अंदर के साइड इस तरह से। ये देखिए ये इस तरह से ये पूरा बन के कंप्लीट हो गया है। देखिए इसका ये गला है इस तरह से आएगा, और ये शोल्डर है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।